हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 20 दिसंबर 2021 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग, मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग और इसके साथ ही कुछ बड़ी टीमों के टारगेट प्लेयर्स के रिगार्डिंग 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट आप में से बहुत सारे लोग पिछले काफ़ी दिनों से हमारे डेली न्यूज़ की हर एक वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग उसकी डेट के रिगार्डिंग क्या हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग एक और बुरी खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है कि मेगा ऑक्शन को अब 3rd week January तक पुश किया जा चुका है, जबकि ये इवन 4th week तक भी जा सकता है अगर जो CBSE ग्रुप है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करता है। क्योंकि जब तक CBSE ग्रुप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेगा तब तक प्री ऑक्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली प्री ऑक्शन में जब तक दोनों ही टीमें 3-3 players को पिक नहीं कर लेती तब तक कोई भी उम्मीद नहीं है कि मेगा ऑक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन से पहले प्री ऑक्शन का होना जरूरी है। इसके बिना मेगा ऑक्शन किसी भी हालत में प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो अब CBSE ग्रुप का ही इंतजार है सभी को, BCCI को मिलाकर, कि कब वो अपने एलिगेशन को क्लियर आउट करते हैं और कब हमें मेगा ऑक्शन स्टार्ट होते हुए देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है लखनऊ की टीम के ओनर्स की तरफ से, जहां पर लखनऊ के ओनर्स ने रीज़न बताया है कि आखिर क्यों इन्होंने गौतम गंभीर और उसके साथ ही एंडी फ्लावर को अपनी टीम में एड इन किया है। तो सबसे पहले इन्होंने गौतम गंभीर के रिगार्डिंग अपडेट दी है कि गंभीर का जो रोल होगा बेसिकली इस टीम में वो होगा एक मोटिवेशनल स्पीकर का, यानी कि जो प्लेयर्स को मोटिवेट करता है। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने पास्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ मिलके जो काम किया था उनकी कैप्टनसी के अंडर, KKR की टीम ने बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया था, यही वजह है कि वो गौतम गंभीर को इस टीम में लेकर आए हैं। इसके साथ ही एंडी फ्लावर के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि वो ऐसे प्लेयर्स या फिर ऐसे कोचेस को अपनी टीम में लाना चाहते हैं जो कि पास्ट में अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, यानी कि लखनऊ की टीम मुंबई इंडियंस के जो लेआउट है उनका जो एक खांचा है उसको कॉपी करना चाहती है। तो इस तरीके से एंडी फ्लावर उनकी टीम में आए हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से, जहां पर ऋतुराज ने बताया है कि किस तरीके से इस बार का आईपीएल स्टार्ट होने से पहले क्या उनका माइंडसेट था, क्या वो सोचकर खेलने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि आईपीएल के इस वाले पार्ट में उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि वो CSK के लिए एक मैच विनर बनकर निकलेंगे और वो माइंडसेट ने उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की कि वो आईपीएल में आए और इतने ज़्यादा कंसिस्टेंटली रन स्कोर करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बीच में उनको टाइम मिला था, यानी कि आईपीएल का जो पार्ट वन और पार्ट टू हुआ था उसके बीच में जो गैप था उसमें उन्होंने अपने बैकफुट गेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा अच्छा टेक्निक मिल गया कि अब आप लोग देख ही सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक सर्किट और उसके साथ ही आईपीएल में क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सौरव गांगुली की तरफ से, जहां पर सौरव गांगुली फाइनली ओपन अप हुए हैं विराट कोहली के रिगार्डिंग। पहले इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें इन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि BCCI इस मामले को बाद में देखेगी, अभी वो इसके बारे में कोई भी कॉमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन अब इन्होंने विराट कोहली के रिगार्डिंग एक चीज़ बोली है, इन्होंने कहा है कि विराट कोहली का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं। अब इस सेंटेंस के अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मीनिंग निकाली जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरीके से थोड़ा सा लाइट नोट पर बोला गया है ताकि विराट कोहली और उनके बीच के डिफरेंस दूर हो पाएं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने विराट की तारीफ भी की है और इसके साथ ही फाइट वाली बात पर उन्हें टॉन्ट भी मारा है। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग सौरव गांगुली के स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है ऋषभ पंत की तरफ से, जहां पर ऋषभ पंत जो कि उनको हर रोज कोई ना कोई नई रिस्पेक्ट या फिर कोई ना कोई नया सम्मान मिलता ही रहता है, और अब ऋषभ पंत को ऐसी ही एक और चीज मिली है जहां पर उत्तराखंड ने इनको अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, यानी कि उत्तराखंड की जो क्रिकेट होगी उस क्रिकेट के फेस होंगे ऋषभ पंत। दरअसल ऋषभ पंत को अगर आप लोग जानते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली ऋषभ पंत उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, और ऐसे में ऋषभ पंत को उत्तराखंड की साइड से क्रिकेट का फेस बनाया जाना ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड के जो यंग प्लेयर्स हैं, जो स्टेट प्लेयर्स हैं, उनको ज़रूर मोटिवेट करेगा कि अगर ऋषभ पंत
वो इस चीज़ से बाहर आकर अगर इतना कुछ अचीव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे आकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है जो अहमदाबाद की टीम है CVC ग्रुप के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। इस चीज़ में एक नया ट्विस्ट हमें देखने को मिला है, जो कि हमने आपको कल शाम वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी तो आप लोग पूरे मैटर को समझ सकते हैं क्या ये इशू चल रहा है। तो इस इशू के रिगार्डिंग अब यहाँ पर नया जो सॉल्यूशन है BCCI के सामने वो ये है कि CVC ग्रुप को 3 से 4 दिन का वक्त दिया जाएगा, और 3 से 4 दिनों के वक्त में अगर ये अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ नया तरीका PCCI ढूंढेगी, जिसमें से एक तरीका तो ये हो सकता है कि अहमदाबाद की फ्रेंचाइज को तो सेम रखा जाएगा लेकिन उनको नए ओनर्स दिए जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि अहमदाबाद की सिटी को ही IPL से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और जो नए ओनर्स होंगे उनकी मर्जी की सिटी को IPL की टीम दी जाएगी। अभी तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर जिनकी हाइएस्ट बिड रही थी यानी कि अडानी ग्रुप और उनके साथ ही चौथे नंबर पर जिनकी बिड रही थी यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रुप, ये दोनों ग्रुप अभी रेस में आ चुके हैं वापस से नई टीम की। अगर CVC ग्रुप CVC प्राइवेट लिमिटेड अपने एलिगेशंस क्लियर नहीं करता है तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर अडानी ग्रुप आपको 10th टीम की ओनरशिप लेते हुए नजर आएंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से अहमदाबाद को हटाकर किसी नई सिटी को 10th IPL के तौर पर कंसीडर किया जाना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है युजवेंद्र चहल की तरफ से, जहां पर युजवेंद्र चहल की काफ़ी सारी बातें निकल कर आई थी कि इनको लखनऊ की टीम के द्वारा टारगेट किया गया है, लेकिन इसके साथ ही युजवेंद्र चहल को एक और टीम के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और ये टीम है मुंबई इंडियंस की। दरअसल युजवेंद्र चहल को आप लोग मुंबई इंडियंस की खोज मान सकते हैं, क्योंकि इनको ढूंढकर यही अपनी टीम में लाए थे, लेकिन उसके बाद ये RCB की टीम में चले गए थे जिन्होंने इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रूम किया। और अब क्योंकि चहल को रिलीज़ किया जा चुका है तो मुंबई इंडियंस की टीम की नज़रें इनके ऊपर मेगा ऑक्शन में रहने वाली हैं, क्योंकि MI की टीम अपने प्राइमरी स्पिनर राहुल चहर को ऑलरेडी बाहर कर चुकी है। तो ऐसे में युजवेंद्र चहल अगर इनकी टीम में आ जाते हैं तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग युजवेंद्र चहल को MI की टीम में देखना चाहते हैं या फिर आप लोग एक बार फिर से उनको RCB की टीम के कलर्स में ही खेलते हुए देखना पसंद करोगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम के टारगेट प्लेयर्स के रिगार्डिंग। इनके 3 टारगेट प्लेयर्स का नाम हमारे सामने निकल कर आ चुका है, लेकिन अगर आप लोग भी अपनी फेवरेट IPL टीम के टारगेट प्लेयर्स का नाम जानना चाहते हैं तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर बताइए। जिस भी टीम के कमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं उस टीम के टारगेट प्लेयर्स के बारे में हम लोग आपको अपनी कल वाली वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे। तो पंजाब किंग्स के अगर टारगेट प्लेयर्स की बात की जाए तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये टीम सबसे पहले नंबर पर टारगेट कर रही है कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज हुए लॉकी फर्ग्यूसन को। दूसरे नंबर पर यह टीम टारगेट कर रही है मिचेल मार्श को, जो अभी हाल में वर्ल्ड कप देखा था, उसके साथ ही अभी जो करेंटली हमें जो ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग देखने को मिल रही है उसमें भी कमाल कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि ऑब्वियसली इनको एक कैप्टन की जरूरत है तो श्रेयस अय्यर इनके लिए परफेक्ट चॉइस होंगे। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।